हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है कुक विद नीति में। तो फ्रेंड्स, आज हम बना रहे हैं बेसन के पुए। बहुत ही जल्दी बनने वाली रेसिपी है, टेस्टी है, बाहर से क्रंची और अंदर से सॉफ्ट है, जिसे हम ग्रीन चटनी या सॉस के साथ खा सकते हैं। फटाफट बनने वाली रेसिपी शुरू कर लेते हैं बनाना। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं, यहाँ पे मैंने 1 कप बेसन लिया है और इसमें हम डाल ले रहे हैं थोड़ा से मसाले। तो यहाँ पे मैं 1/4 स्पून डाल रही हूँ टर्मरिक पाउडर और 1 छोटी चम्मच डाल रहे हैं हम यहाँ पे रेड चिली पाउडर। साथ में मैं डाल रही हूँ 1 पिंच, यहाँ पे मैंने हींग ऐड कर दिया है इस तरीके से। ये मैंने 1 पंच हींग डाल दिया है। 1 छोटी चम्मच हम डालेंगे यहाँ पर अजवाइन और 1 चुटकी डालेंगे हम यहाँ पे खाने वाला सोडा या बेकिंग सोडा जो बोलते हैं वो डाल देंगे। और अभी हम सारी चीज़ों को इसे मिक्स करेंगे। और अब डालेंगे हम इसमें दही, थोड़ा थोड़ा दही हम ले लेते हैं और डालते जाएंगे। हमने दही ऑलरेडी फेंट ली थी, तो अभी हम इसको अच्छे से स्मूथली बैटर तैयार करेंगे। तो थोड़ा थोड़ा दही डालते जाएंगे, अगर दही नहीं है तो आप पानी का भी यूज़ कर सकते हैं। तो हम इसमें दही डालते जाएंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे। सभी चीज़ें डाल दी हैं, अच्छे से मिक्स कर दिया। आप देख रहे हैं बैटर की कंसिस्टेंसी इस तरीके से हमें तैयार चाहिए। और अब डालेंगे यहाँ पे हम चॉप मिर्ची और अदरक। तो ये मैंने लगभग 1 बड़ी मिर्ची ली है और 1/2 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है। साथ में हमने लिया है खूब सारा यानी ढेर सारा धनिया, उसको भी मिक्स करेंगे। और अब लेंगे हम यहाँ पे चॉप किया ऑनियन, अच्छे से मिक्स कर दिया। और ये चॉप किया हुआ हमने 1 बड़ा प्याज डाल दिया है, इसको भी मिक्स करेंगे। और अब डालेंगे हम इसमें लास्ट में टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। तो टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड कर देते हैं, लगभग 1 स्पून है, और कम ज़्यादा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अच्छे से मिक्स करेंगे, साइड रख देते हैं। और अब हम करते हैं अपना फूड ऑयल गरम। ऑयल अच्छे से गरम हो गया है और अब हम ऑयल में डालेंगे इसको 1 स्पून की हेल्प से इस तरीके से डाल देते हैं। तब एक साइड से सिक जाए तो हम 1 स्पून की हेल्प से इसको थोड़ा सिकने के बाद पलट देंगे। पहले नहीं पलटना, थोड़ा सिकने के बाद ही पलटेंगे और फिर हम इसको थोड़ा क्रिस्पी होने तक फ्राई करेंगे। तो अलट पलट करेंगे और इसको हम गोल्डन ब्राउन यानी क्रिस्पी होने तक फ्राई करेंगे। और साइड में हम इसको करके जो हमारे बेसन के पोहे हैं या पुआ उसको निकाल लेंगे। कुछ लोग पुआ बोलते हैं, कुछ पुए बोलते हैं, कुछ लोग बेसन के पूड़े बोलते हैं। तो आप जो भी बोलते हैं इस तरीके से हम निकाल लेंगे, दूसरा बैच भी डाल देंगे। तो ये हमारे बेसन के पुए बनकर तैयार हो गए हैं, बहुत ही क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट बने हैं, फटाफट बन जाते हैं। अचानक घर पे अगर कोई गेस्ट आ जाए और कुछ स्नैक्स बनाना हो तो आप इस तरीके से फटाफट बना सकते हैं, या फिर कभी दिल करे टी टाइम स्नैक्स में भी आप इसको फटाफट बना सकते हैं। बच्चों का दिल करे, अच्छा है, बेसन का है, प्रोटीन से भरपूर है, तो आप इसको बच्चों के लिए भी कभी भी बना सकते हैं या टिफ़िन में डालकर आप उनको लंच में भी दे सकते हैं। फटाफट बनने वाली रेसिपी है और सबसे बड़ी बात है कि आप इसमें अपनी चॉइस से कोई भी सब्जी ऐड भी कर सकते हैं, स्किप भी कर सकते हैं, और कर्ड की जगह आप इसमें पानी भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसी तरीके से आप इसको बनाइए, खाइए और बेसन के पुए इंजॉय कीजिए। वीडियो कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताइए। वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।